हेलो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट बेसिक केमिस्ट्री आई एम प्रोफेसर स्वाति इंग्रे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन जिसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है और हम करोजन टॉपिक पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन सो कोर्स आउटकम ये कंप्लीट यूनिट पढ़ने के बाद आपको करोजन के प्रिवेंशन के कौन से कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी ये कोर्स आउटकम है देन आज का ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन को अफेक्ट करने वाले मतलब बढ़ाने वाले या घटाने वाले कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस वीडियो का एक रिविजन कर लेते हैं क्विक रिव्यू प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के दो मैकेनिज़्म भी पढ़े एक हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म और दूसरा ऑक्सीजन एब्सॉपशन मैकेनिज़्म तो फिर से हम एक क्विक रिवाइज़ कर लेते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन की जिस को कहा जाता है इमर्ज करोजन और वेट करोजन ठीक है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मीडियम होता है मतलब हमको मेटल को वो लिक्विड मीडियम में डीप करना पड़ता है इमर्ज करना पड़ता है और जब भी कोई लिक्विड मीडियम होता है तो चीज़ वहाँ पे गीली होती है इसलिए इसको कहा जाता है वेट करोजन इसके डेफिनेशन में तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी कि यहाँ पर कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पर होते हैं आयोनिक रिएक्शन द करोजन ड्यू टू कौन से टाइप के रिएक्शन आयोनिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यहाँ पे सोल्यूशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ये दूसरी चीज हो गई एंड थर्ड कंडीशन इज दैट द टू डिफरेंट मेटल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर वो पर्टिकुलर सराउंडिंग में एटलीस्ट दो मेटल्स होने चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि दो रहेंगे तभी तो एक एनोड बनेगा और एक कैथोड बनेगा एक का करोजन होगा है ना तो ये हो गई इमर्स करोजन की डेफिनेशन कि करोजन ड्यू टू आयोनिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सल्यूशन एंड टू डिफरेंट मेटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन और इमर्ज करोजन और वेट करोजन ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन बढ़ता या घटता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन सो देयर आर सिक्स फैक्टर वहाँ पे छः फैक्टर्स हैं वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ेंगे पहले नाम देख लेते हैं पोजिशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके बाद दूसरा है पीएच ऑफ सोल्यूशन तीसरा है सोलिबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट तीसरा है सॉरी uh, फोर्थ है डिफरेंशियल एरेशन दैट इज ऑक्सीजन सप्लाई देन मेटालिक सरफेस और लास्ट पैरामीटर रहेगा प्योरिटी ऑफ मेटल तो अब हम वन बाय वन देखेंगे सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये एक छोटा सा नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है इन सारे आयन्स के सर पे कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज कौन सा चार्ज है प्लस चार्ज और मैंने आपको पढ़ाया है आयन के सर पर जब प्लस चार्ज होता है तो उसे कहा जाता है कटायन तो ये जो सीरीज़ है ये है कटायन की सीरीज़ और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इसको क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब हमें अपने मन से हम किसी की भी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे ऊपर में के प्लस है तो इसको नीचे डाल देंगे यहाँ पे पी बी प्लस प्लस है उसको ऊपर डाल देंगे हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरीज़ एक स्पेशल आधार पे बनाई गई है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर ये कटाइन की एक सीरीज़ बनाई गई है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो हम इसको अब हम करोजन टॉपिक से रिलेट करते हैं तो करोजन से इसका क्या संबंध है तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके आधार पर ही आप करोजन जो है वो समझ पाएंगे तो ये सीरीज़ क्या कहती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिसका भी पोजिशन रहेगा अपर पोजिशन ठीक है हमने डेफ़िनेशन में पढ़ा है टू डिफ़रेंट मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए तभी इमर्ज करोजन होगा है ना तो जब दो मेटल हमारे सामने होते हैं तो हमें अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखना है जिस मेटल की पोजीशन ऊपर होती है अपर पोजीशन वो हमेशा बनता है एनोड वो मेटल हमेशा क्या बनेगा एनोड वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उस मेटल का हो जाता है करोजन उस मेटल का क्या हो जाता है करोजन तो फिर दूसरा पैरामीटर क्या है दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर मेटल की पोजीशन नीचे रहेगी मतलब कैसी पोजीशन, लोअर पोजीशन, तो वो बन जाएगा कैथोड तो वो क्या बन जाएगा कैथोड और उसके उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी रिडक्शन की रिएक्शन और जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो उसका करोजन नहीं होता वो प्रोटेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है प्रोटेक्ट इन शॉर्ट में मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ सपोज़ हमारे पास दो मेटल हैं मतलब एक सोल्यूशन है जिसके कांटेक्ट में दो मेटल है एक मेटल है जिंक और एक मेटल है लीड पीबी ठीक है या आयरन ले लेते हैं एक मेटल है जिंक और एक मेटल है आयरन क्योंकि ये हमारे ज़्यादा जाने पहचाने मेटल है तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन की कंडीशन है ठीक है ना वाक्योंकि वहाँ पे सोल्यूशन है तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक का करोजन होगा या आयरन का करोजन होगा तो ये हमें कौन बताएगा ये हमें बताएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबसे पहले हमको दोनों को ढूंढना है तो मिल गया हमें जिंक भी मिल गया और आयरन भी मिल गया तो दोनों में से किसकी पोजिशन ऊपर है जिंक की किसकी पोजिशन ऊपर है जिंक की तो जिंक क्या बनेगा एनोड एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन तो किसका करोजन होगा जिंक का जन होगा क्योंकि उसकी पोजिशन ऊपर है है ना दूसरा मेटल है आयरन आयरन की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एज कंपेयर टू जिंक क्या है नीचे मतलब कैसी लोअर पोजीशन तो आयरन क्या बनेगा कैथोड कैथोड के ऊपर क्या होगा रिडक्शन और उसका क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन उसका क्या हो जाएगा प्रोटेक्शन तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अपर पोजिशन है तो वो एनोड बनता है और उसका करोजन हो जाता है और लोअर पोजिशन है तो वो कैथोड बनता है और उसका क्या हो जाता है प्रोटेक्शन आई होप आपको ये फैक्टर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पी ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो ये, ये भी ये भी आपके लिए एक नया कंसेप्ट है तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि कुछ सोल्यूशन एसिडिक होते हैं कुछ बेसिक होते हैं कुछ न्यूट्रल होते हैं तो यही डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसे कहा जाता है पीएच स्केल पीएच स्केल पे नंबर होते हैं ज़ीरो से लेके कर फोर्टीन तक यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर होते हैं जीरो से लेके कर फोर्टीन तक हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते नंबर है, है ना तो इसका जो मिड पॉइंट है वो होता है सेवन तो अगर और ये उसके कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं तो अगर कोई सोल्यूशन पी पेपर के ऊपर ये वाला कलर बताता है तो उसकी पी कितनी रहेगी सेवन और सेवन मतलब वो सोल्यूशन कैसा है न्यूट्रल वो सोल्यूशन कैसा है न्यूट्रल अगर किसी सोल्यूशन की पी एच सात से कम रहती है सात से कम मतलब लेस देन सेवन तो उस सोल्यूशन का नेचर क्या होता है एसिडिक उस सोल्यूशन का नेचर क्या होता है एसिडिक और अगर किसी सोल्यूशन की पी एच मोर देन सेवन होती है मतलब सात से ज़्यादा तो उस सोल्यूशन का नेचर क्या होता है अल्कलाइन जिसको हम बेसिक भी बोलते हैं है ना तो अब इसको करोजन के साथ जोड़ेंगे हम तो अगर सोल्यूशन की पी एच जो भी वहाँ पे सोल्यूशन मेटल के कांटेक्ट में आता है उसकी पीएच अगर एसिडिक या बेसिक है मतलब ये वाली रेंज में जीरो से लेके कर सिक्स पॉइंट नाइन या सेवन पॉइंट वन से लेके फोर्टीन तक तो वहाँ पे करोजन हमेशा कैसे रहेगा ज़्यादा और अगर सोल्यूशन की पीएच कौन से रेंज में है न्यूट्रल मतलब सात के करीब है तो वहाँ पर जो भी मेटल रहेगा उसका करोजन का रेट जो है वो कम रहेगा है ना तो ये हो गया है पी एच ऑफ सोल्यूशन देन उसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट ये भी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट क्या है ठीक है ना तो जब भी किसी भी मेटल का करोजन होता है जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम एक आपको बताई है ये एक बीकर है बीकर में एक हमने सोल्यूशन लिया हुआ है उसमें हमने ये येलो कलर का क्या रखा हुआ है मेटल तो ये सोल्यूशन की वजह से इस मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन हो जाएगा जिसकी वजह से उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी करोजन की लेयर जंग की लेयर बन जाएगी तो ये मैंने ऐसे लेयर बनाई है जिसको हमने क्या कहा करोजन प्रोडक्ट अब हमें इस करोजन प्रोडक्ट की क्या चेक करना है सोल्यूबलिटी तो देखो ध्यान से समझो अगर ये करोजन प्रोडक्ट मतलब ये जो लेयर इसके ऊपर बनी हुई है ये लेयर अगर इस सॉल्यूशन में क्या हो जाती है सोल्यूबल हो जाती है इस सॉल्यूशन में क्या हो जाती है सोल्यूबल हो जाती है घुल जाती है तो फिर से फ्रेश मेटल जो है वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा फिर से फ्रेश मेटल सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा और फिर से उसका करोजन जो है वो होता रहेगा फिर से लेयर बनेगी फिर से घुलेगी फिर से उसका सरफेस उसके कांटेक्ट में आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा है ना तो अगर ये करोजन प्रोडक्ट सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है तो करोजन यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा होगा मेटल का बहुत ज़्यादा सरफेस सोल्यूशन को एक्सपोज होगा और उसका करोजन ज़्यादा होगा लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि सपोज ये मेटल का पहली बार करोजन हो गया और उसके ऊपर ये करोजन प्रोडक्ट करोजन की की जंग की लेयर चढ़ गई लेकिन ये जंग की लेयर अगर इस सॉल्यूशन में घुलती नहीं सोल्यूबल नहीं होती तो वो उसके ऊपर चिपक के रहेगी तो ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रेश मेटल सरफेस के तक पहुंच नहीं पाएगा फ्रेश मेटल तक पहुंच नहीं पाएगा अगर सॉल्यूशन फ्रेश मेटल तक पहुंचेगा ही नहीं तो मेटल का करोजन होगा ही नहीं वो करोजन वहाँ पे रुक जाएगा या उसका रेट जो है वो स्लो हो जाएगा तो यही हमने यहाँ पे समरअप में समरी पॉइंट में लिखा है कि अगर करोजन प्रोडक्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाता है घुल जाता है सोल्यूबल हो जाता है तो वहाँ पर करोजन क्या रहेगा ज़्यादा करोजन क्या रहेगा ज़्यादा और अगर ये जो करोजन प्रोडक्ट है ये सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल रहता है मतलब बनने के बाद घुलता नहीं है तो फिर वहां पे करोजन कैसा रहेगा कम रहेगा करोजन कैसा रहेगा कम रहेगा ये हो गया थर्ड फैक्टर उसके बाद चौथा फैक्टर है डिफरेंशियल एरेशन चौथा फैक्टर कौन सा है डिफरेंशियल एरेशन तो ये डायग्राम आपको कुछ जानी पहचानी दिखी दिख रही होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के हमने दो मैकेनिज्म पढ़े हैं एक हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म और एक ऑक्सीजन एबसॉप्शन मैकेनिज्म तो ऑक्सीजन एबसॉप्शन मैकेनिज्म में आपने ये डायग्राम देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेटल सरफेस है जिसके ऊपर पोरस लेयर बनी हुई है ठीक है यहाँ पर वो पोर प्रेजेंट है छेद जिसको हमने मैग्नीफाई करके देखा था उसके ऊपर ये वाटर का ड्रॉपलेट आ गया ठीक है वाटर का ड्रॉपलेट आ गया और और यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सीजन उसके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है अब इसको हम हमारे पॉइंट के साथ ये जो हमने डिफरेंशियल एरेशन या ओ सप्लाई लिखा है इसके साथ जोड़ते हैं तो देखो ये जो एरिया है ये जो एरिया है जो इस पानी के बूंद के नीचे है जो इस वाटर ड्रॉपलेट के नीचे है वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँच पा रहा है क्या नहीं नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि यहाँ पे बीच में ये पानी की बूंद आ गई है ना तो ये पानी की बूंद की वजह से ये ऑक्सीजन ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता या ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है वो एरिया हमेशा क्या बनता है एनोड वो एरिया हमेशा क्या बनता है एनोड ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता वो एरिया क्या बनता है एनोड और ये चीज़ हमको पता है कि एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और उसी का हो जाता है करोजन तो करोजन इस जगह का होगा क्योंकि ये रीजन क्या बन गया एनोडिक लेकिन अगर हम ये वाला सरफेस देखते हैं ये वाला सरफेस तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे है ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुँच सकता है है ना यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुँच सकता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कैसा है ज़्यादा है तो ये एरिया क्या बन गया कैथोड ये एरिया क्या बन गया कैथोड बन गया और जो एरिया कैथोड बनता है उसके ऊपर रिडक्शन होता है और उसका क्या हो जाता है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन उसका क्या हो जाता है प्रोटेक्शन तो समरी में हम लिख सकते हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है जैसे ये वाला एरिया जहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है वो एरिया बन जाता है एनोड वो एरिया बन जाता है एनोड और उसका हो जाता है करोजन और जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है वो एरिया बनता है कैथोड और वो एरिया का क्या हो जाता है प्रोटेक्शन वो एरिया का क्या हो जाता है प्रोटेक्शन देन नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जिसका नाम है मेटेलिक सरफेस जिसका नाम क्या है मेटेलिक सरफेस तो यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कोशिश की है एग्जाम्पल के माध्यम से कि यहाँ पे हमने एक बीकर लिया बीकर में ये सोल्यूशन है और उसमें हमने एक मेटल का टुकड़ा डाल दिया जिसका सरफेस कैसे है स्मूथ सरफेस बिल्कुल सीधी सीधी लाइनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है उसका सरफेस स्मूथ है और यहाँ पर हमने सेम कंडीशन ली है लेकिन जो हमारा मेटल है उसका सरफेस कैसा है रफ़ तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से मेटल का ज़्यादा करोजन होगा और कौन से मेटल का कम तो ये भी हम पता कर सकते हैं देखो बच्चों यहाँ पे इसका सरफेस एरिया जो है वो स्मूथ है तो यहाँ पे उसको उसका कम सरफेस जो है वो इस सॉल्यूशन को एक्सपोज हो रहा है लेकिन जब हम मेटल का सरफेस लेते हैं रफ तो मेटल का सरफेस जब रफ़ होता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो किसको एक्सपोज हो रहा है सोल्यूशन को तो जितना ज़्यादा मेटल एक्सपोज होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा करोजन सिंपली अगर हम गिनते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर सरफेस एरिया है तो ये वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर मतलब सोल्यूशन को सिर्फ कितना एक्सपोज हुआ है चार सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर लेकिन अगर हम ये रफ सर्फेस एरिया को गिनते हैं तो ये वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 14 सेंटीमीटर एरिया सॉल्यूशन को एक्सपोज हुआ है तो ज्यादा एक्सपोजर तो ज्यादा करोजन तो यही हमने लिखा है कि अगर मेटल का सरफेस कैसे रहेगा रफ मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो रहा है तो वहाँ पे करोजन जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और अगर मेटल का सरफेस कैसे रहेगा स्मूथ रहेगा तो वहाँ पे लेस सरफेस एरिया एक्सपोज हुआ है तो वहाँ पे करोजन कैसे रहेगा कम रहेगा लेस रहेगा और अब लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट बहुत ही आसान है प्योरिटी ऑफ मेटल हम बोलते हैं ना कि मेटल्स जो है वो ज़मीन के अंदर से मिलते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्या प्रेजेंट रहती है इम्प्योरिटी कंकड़ मिट्टी दूसरे मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह भी रहते हैं है ना तो ये प्योरिटी ऑफ मेटल से करोजन कैसे अफेक्ट करता है तो वही हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अगर मेटल इम्प्योर रहा तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी इम्प्यूरिटीज़ मतलब हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के डेफिनेशन में कंडीशन है कि टू और मोर मेटल वहाँ पे होने चाहिए तो इम्प्योरिटी मतलब दूसरा मेटल भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है तो ऐसी कंडीशन में करोजन जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि एक मेटल एनोड बन जाएगा एक मेटल कैथोड बन जाएगा और जब भी ऐसा होता है तो करोजन होता है है ना लेकिन अगर मेटल प्योर मेटल रहेगा मतलब सपोज आयरन का एक क्रिस्टल है ज़मीन के अंदर से मिला है और वो कैसा है प्योर मतलब उसमें दूसरी कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है और वो अगर किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है है ना तो वहाँ पे दूसरी कोई इंप्योरिटी नहीं है दूसरा कोई मेटल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में उसका करोजन जो है उसका रेट कैसे रहेगा कम रहेगा तो ये हो गए हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन तो लास्ट में हम समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने टोटल छः फैक्टर्स जो है वो पढ़े हैं एक पोजिशन ऑफ मेटल पोजिशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर रहेगा तो एनोड बनेगा करोजन होगा नीचे रहेगा तो कैथोड बनेगा और प्रोटेक्शन हो जाएगा पीएच एसिडिक और बेसिक रहेगा तो करोजन ज्यादा होगा और न्यूट्रल पीएच रहेगा तो करोजन कम रहेगा सोल्यूबलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट करोजन प्रोडक्ट अगर सोल्यूबल हो गया तो करोजन ज्यादा रहेगा और अगर इन रहा तो करोजन कम होगा डिफ्रेंशियल रिलेशन ये उल्टा रिलेशन है ऑक्सीजन कम तो करोजन ज्यादा और ऑक्सीजन ज़्यादा तो करोजन कम मेटल सरफेस स्मूथ रहेगा तो करोजन कम रहेगा रफ रहेगा तो करोजन ज्यादा होगा और प्योरिटी ऑफ मेटल में हमने पढ़ा कि अगर प्यो प्योर मेटल है तो करोजन का रेट कम रहेगा और इम्प्योर मेटल है तो करोजन का रेट ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है वो होती है तो आज के वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज मिला है लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको मिला है क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी असाइनमेंट आपका इस आज के वीडियो का रहेगा कि आपको ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है छः फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन उनके बारे में जानकारी लिखनी है नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ स्पेशल टाइप के करोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं सो डियर स्टूडेंट्स डोंट वरी बी हैप्पी कीप लर्निंग हैप्पी लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच